पंजाब के तरन तारण से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पट्टी मोड़ स्थित चर्च में माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को अपवित्र करने वालों ने मूर्तियों का सर तोड़ा, साथ ही चर्च परिसर में खड़ी कार में भी आग लगा दी। इस घटना के बाद पट्टी पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये कौन लोग थे और कहां से आए थे। हालांकि इस पूरे घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग जोर शोर से उठने लगी है। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं घटना से ईसाई धर्म के लोगों में काफी रोष है, इसको लेकर लोगों ने पट्टी में धरना प्रदर्शन भी किया। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਠੱਕਰਪੁਰੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। जरा जानकारी के लिए तरन तारण से संवाददाता बलजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बलजीत, फिलहाल तरन तारण में जिस तरीके से ये घटना हुई है, काफी निंदनीय घटना, इसको लेकर अभी किस तरीके के अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी, बताना चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से ट्वीट करके ये घटना के ऊपर काफी दुख प्रकट किया गया और उनका कहना है कि ये जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, जिसके बाद पंजाब के डीजीपी की ओर से भी सख्त कार्रवाई के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं, जिसको लेकर जो ईसाई भाईचारे के लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पे संतुष्टि जताते हुए इस धरने को समाप्त किया। लेकिन उनका यही कहना है कि जिस तरीके से भाईचारक सांझ जो पंजाब के लोगों की आपस में है उसको किसी ना किसी शरारती अंतर ने तोड़ने की कोशिश की है और ऐसे शरारती अंतरों पर जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई होनी। लोगों का प्रदर्शन भी पट्टी में और तरन तारण में जारी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? क्या अभी भी लोग सड़कों पर बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री और पंजाब के डीजीपी के विश्वास के बाद जो ईसाई भाईचारे के लोग हैं उन्होंने ये धरना प्रदर्शन जो कि समाप्त कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई है पंजाब में, इसको लेकर पंजाब के सीएम का क्या कुछ कहना और प्रशासन इसको लेकर किस तरीके से अब सक्रिय है? पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो इस घटना वापरी काफी निंदन योग है, इस घटना से पूरे ईसाई भाईचारे को और दूसरे धर्म के लोगों को भी काफी ठेस पहुंची है, क्योंकि कोई शरारती अंतर सारे धर्मों को एक साथ जो लड़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के जो पंजाब के डीजीपी को आदेश दिए थे उसको लेकर पंजाब के डीजीपी की ओर से भी आगे जिला तरन तारण के एसएसपी को आदेश दिए गए हैं कि जो भी ये शरारती अंतर उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना आगे से ना हो सके। ठीक है बलजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।